हेलो गाइस, टेक ग्रुप यूट्यूब चैनल अपन सबाई के स्वागतम। थामले देखे तो बुझते पे आज अनबक्सिंग करते जा लिथियम बैटरी 10,000 एमएच लिथियम बैटरी। तो ये देखो ये बक्स टी आगे ओपन कर देखे नहीं सब कुछ ठीक ठाक आना। तो एबार चलो एखे भितरे कि सब रही है, ये रही है देखो क्या रही है बैटरी, बैटरी कम कत बड़ साइज व कत की वेट सब कुछ देखो। ये बैटरी साथे हमें और किछु अर्डर करेछिलाम और साथ ही देखो एखे एक सोल्डिंग आयरन स्टैंड तर सा रही है बीएमएस जेगुलो बैटरी प्रोटेक्शन आईसी और ये रही है स्विच और ये कि नहीं बेस और ये ये हमारे पुरो कटो की दाम नहीं क्योंकि ये देखा ना दाम टामगुलो। तो जैक ये साइडे मेन हे बैटरी, तो यो रही है देखो ये देखे नीन इन्हें एक सोल्डिंग आयरन स्टैंड ये स्विच एखे बीएमएस तो मेन हे बैटरी तो यो रखी साइडे। तो गाइस देखते इन्हें बाबू रैप दिए भलोभ पैकिंग करा देखो ये रही है दुटो बैटरी। तो गाइस देखो ये दुटो बैटरी सो यो हे लिथियम आयन बैटरी लिथियम आयन पलिमार एगो लिथियम आयन पलिमार जगह 1865 जगह है ना सेलगुलो सेगल लिथियम आयन और ये लिथियम पलिमार। लिथियम आयन और लिथियम पलिमार तफात की लिथियम आयन और लिथियम पलिमार तफात हे वेटर। लिथियम पलिमारगलो वेट अनेक हल्का है और लिथियम आयनगुलो वेटे बेसि ओजन है किंतु दुटो सेम कैपासिटी सेम भोल्टेज शुद्ध ये बड़ साइज देखो लिथियम पलिमार सबसे बड़ो बैटरी और लिथियम आयन किंतु एत बड़ो साइजर है ना लिथियम पलिमार एकमात्र एत बड़ो साइजर बैटरी। तो एक बैटर इमेज देखो ये 10,000 एमएच बैटरी और एर भोल्टेज हे 3.7 भोल्टे 10,000 एमएच बैटरी। तो ये देखते 10,000 एमएच बैटरी क्योंकि एखे कोकम कौ लेखा नहीं 10,000 एमएच बैटरी बोले सिर्फ एखे भोल्टेज लेखा रही है और ये लेखा रही है किचू कन्वर्ट न्यू एनार्जी टेक्नोलॉजी कम एलटीडी कम्पानी एट साइन रही है। जैक ये हे एक एक बैटरी 10,000 एमएच मैं दोटो बैटरी 20,000 एमएच अपनारा एबार तारा कत वेट होते कत ये चेक करब। तो वेट चेक कर आगे ये साइज देखो ये एक फिता नहीं साइजा देख 4 इंच ये देख 4 इंच बैटरी लंग हे 4 इंच साइड हे देख 2.5 इंच 4 बाय 2.5 बाय 4 इंच बैटरी सेम दुटो बैटरी सेम। एब चल आस वेट कत होते पारे। तो एक बैटरी वेट तो ये चेक कर वेट स्केल नहीं निचि तो ये ऑन कर देख एबारे वेट चेक करब एक बैटरी वेट देख 171 ग्राम दुटो बैटरी सेम सेम वेट हो तो दुटो आज चेक करार कोनो प्रयोजन नहीं। तपर चले आसर बीएमएस बीएमएस नेार कारण देखो ये बैटरिगुलो तो ना हो बैटर मध्य कोकम प्रोटेक्शन आईसी देव नहीं देखो एर मध्य प्रोटेक्शन आईसी लागान नहीं आदि एर डायरेक्ट व्यवहार करें से क्षेत्र में क्यों ओवर चार्ज ओवर डिसचार्जर प्रोटेक्शन पाने ना से बैटर फुले जाए नष्ट हो जाए जेको कुछ होते पे तरह ने बीएमएस इन्हें देखते हमें नहीं 5 पिस बीएमएस। तो ये देखो बीएमएस तो गाय से देखो ये रही है हमारे 5 पिस बीएमएस एक एक बीएमएस 2 एम्पियर बीएमएस क्या हमारे 5टा बीएमएस ये बैटरी प्रोटेक्शनर जो बीएमएस ना लगाले अपना बैटरी प्रोटेक्शन होने बैटर क्षति हो बैटर लाइफ अनेक कमे जाए क्योंकि बीएमएस लगाना थकले प्रचुर अनेक लाइफ बेड़े जाए जमन की प्रोटेक्शन रही है मध्य बीएमएस मध्य ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन ओवर डिसचार्ज प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन शॉर्ट शॉर्टकट करंट प्रोटेक्शन मैं ये दोटो तार जो 100 शॉर्ट हो जाए पुरो आगुन जले जाए क्योंकि से ऑटो काट करते हैं बीएमएस तर बीएमएस ने तो हमें बोलो अपना बैटरी और लिथियम आयन बैटरी जगह व्यवहार करें अवश्य जो बीएमएस ना लगाना थे अवश्य अपना एरक एक बीएमएस आलदा के लागिए नीते अथवा अपन पुरानो मोबाइल बैटर मध्य जो बीएमएस लगाना थे से बीएमएस लागिए नीते पें। सो हमें एखे एक नतून नहीं नतून बैटर साथ नतून बीएमएस लागिए नब। तो जैक ये हो सब बैटरी अनबक्सिंग चला से बैटरी अपना क्यों व्यवहार करते हैं प्रथम यह बैटरी अपनारा पावर बैंक बनाते पर कारण जेहतु एक एक बैटरी 10,000 एमएच जमन दो बैटरी मेने 20,000 एमएच पावर बैंक बनाते पर अथवा जो एक व्यवहार करें एक छोटो हल्का ये अपना 10,000 एमएच बैटरी 10,000 एमएच पावर बैंक हो तो अपन इच्छे जदि जमन इच्छे सरकम बनाए नीते पावर बैंक ताछाड़ा पावर बैंक बाद दिए अपना अन्य कुछ व्यवहार करते जमन
ব্লুটুথ স্পিকার, যেটা আমার কাছে একটু বড় সাইজের ব্লুটুথ স্পিকার আছে, কিন্তু ওর মধ্যে সেম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থাকে, সেখান থেকে অনেক ছোট সাইজের ব্যাটারি দেওয়া থাকে। তার বদলে আপনারা এরকম বড় সাইজের ব্যাটারি যদি লাগিয়ে নিন, সেখানে আমাদের অনেক অনেক টাইম ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা হবে না, এটা ব্যাকআপ পেয়ে যাবে। তার সাথে আর আপনারা দ্বিতীয় নম্বর আপনারা ইমার্জেন্সি লাইটের সাথে ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা দেখেন যে আপনাদের ঘরে তো সবার ঘরে অবশ্যই ইমার্জেন্সি লাইট আছে, তো কী হয় ওগুলো ব্যাটারি সার্ভিস বেশিক্ষণ দেয় না, সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম লিথিয়াম আয়ন বা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি কিনে আপনারা যদি লাগিয়ে নিন, আমাদের আপনাদের ব্যাকআপ অনেক অনেক গুণ বেশি দেবে। তো অবশ্যই আপনারা এরকম ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারেন, যেমন ইমার্জেন্সি লাইট, তাছাড়া আপনারা পাওয়ার ব্যাঙ্ক ইমার্জেন্সি লাইট ছাড়াও অন্যরকমভাবে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ধরুন আপনাদের কাছে কোনো ইয়ে, ধরুন একটা সে সোলার লাইট সিস্টেম করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারেন। সোলার লাইট সিস্টেম যেগুলো ছোটো সোলার প্যানেল পাওয়া যায় 3 ওয়াট বা 5 ওয়াট 5 ভোল্টের, সে সোলার সিস্টেম দিয়ে আপনারা একটি ঘরে সোলার মিনি সোলার সিস্টেম বানাতে পারেন, যেখানে আমাদের লাইনে কোনো প্রয়োজন পড়বে না, আপনারা সোলার দিয়ে চার্জ করবেন, এলইডি লাইট জ্বলাবেন, তার সাথে আমরা মোবাইলে চার্জ করতে পারবেন, সেরকমভাবেও বানাতে পারেন। তো যাই হোক, বাসে ব্যাটারির বিষয়ে তো বললাম, এবারে ব্যাপার হচ্ছে এখানে দেখুন কোনো রকম এমএজ বলে লেখা নেই, তো এখানে আসল কথা হচ্ছে এটা আদৌ 10,000 mAh কিনা, কিন্তু 10,000 ব্যাটারি অনেক বড়ো, তা হতে পারে 10,000। তাও আমি একবার এই ব্যাটারির ব্যাকআপ টেস্ট করব। সে ব্যাকআপ টেস্ট করা যে দেখতে চান অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর এখন হয়তো ভিডিও পাবেন না, কিছুদিন পর আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্কও পেয়ে যাবেন ব্যাকআপ টেস্ট করার লিঙ্ক, যদি ভিডিও বানানোর পর, এখন সঙ্গে যারা দেখছেন তারা পাবেন না, যদি এক সপ্তাহ বা কিছুদিন পর আপনারা দেখেন তাহলে আপনারা অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এর ব্যাকআপ টেস্ট। তো যাই হোক, তো গাইস ভিডিও আজ এই পর্যন্ত, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, বন্ধুর সাথে শেয়ার করুন, আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দেবেন। দেখা হবে পরের ভিডিও, বাই।